और बहनों, ये मेरी आवाज़ क्या है बोलते हो, आज आरटीसी समस्या, ये पूरे वर्कर काम वाले जो हड़ताल कर रहे, ये उन लोगों का वो तनख्वाह बढ़ाने के वास्ते नहीं होती। ये असली मसला क्या है बोले तो, ये आरटीसी अभी जो है ना गवर्नमेंट के अंडर पे है, उसको जो है ना अपना वो रेस्पेक्टेड सीएम साहब क्या सोच रहे हो, इन्हों जो है ना उसमें जो है ना वो 20% जो है ना गाड़ियाँ और 30% गाड़ियाँ जो है ना वो हायर को देना चाहिए रहे और जो है ना प्राइवेट लोगों को बेचने का तैयार है। इसी वजह से मैं तमाम आबादी को मैं मांग रहा हूँ क्या है बोले तो, पूरे लोग आबादी लोग आरटीसी जो हड़ताल है ना, ये हड़ताल की जो ना मदद दे के, ये हमारा डिमांड जो है ना तनख्वाह बढ़ाना वो छोटी सी है, हमारा तनख्वाह बढ़ाना छोटी सी है, ये कैसा भी होने वाले है वो होते रहता। असली चीज जो है ना एंटी प्राइवेटाइजेशन के बारे में जो है ना हम आबादी को रिक्वेस्ट करके हमारा ये स्ट्राइक जो है ना मदद देना चाह रहे। इसी वजह से आरटीसी जो है ना प्राइवेट हाथों में नहीं जाना चाहिए, इसी वजह से हम लोग प्रार्थना कर रहे वो पूरा आबादी हमारा आरटीसी स्ट्राइक को मदद देंगे। आरटीसी को प्राइवेट में देंगे बोल के अभी तो बोले पास... अभी तो हमारा इससे पहले तो बोले नहीं ना। नहीं नहीं, हमारा रेस्पेक्टेड सीएम साहब रिसेंटली एक कमेटी इंट्रोड्यूस करे थे, वो जो है ना अभी 200 गाड़ियां रहते उसमें 50 गाड़ियां आरटीसी चलाते, बाकी जो 30 हायर को चलाते और थोड़ा 20 प्राइवेट लोगों को देना चाह रहे थे। इनका मन में वही है, असली चीज अभी बाहर निकल गई। इससे पहले कितने दिनों से इनका मन में होता होगा जब तो नहीं मालूम पड़ा, अभी ये हड़ताल का आवाज से उनका मन में जो बात है वो बाहर निकल गया। इसी वजह से हम लोग लड़ रहे जो है ना, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाह रहे, इसी वजह से हम लोग ये स्ट्राइक स्टैंडर्ड कर ले। अभी भी हम आबादी को रिक्वेस्ट कर रहे सहायता करके हमारा स्ट्राइक सक्सेस करना चाहिए।